ये देखो क्या मॉल कंसेप्ट। अरे यार नाइन्थ में भी पढ़ा था, कुछ ही नहीं पता लगता है क्या ये मॉल कंसेप्ट। अरे भाई केमिस्ट्री का बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, पर है भी ये केमिस्ट्री का बाप, इसके बिना कुछ नहीं होता। ये क्या है ये मॉल कंसेप्ट, कुछ ही समझ में नहीं आता। तो आज स्टडी कौन सा कंसेप्ट करते हैं, मॉल कंसेप्ट, जो बिल्कुल इजी टॉपिक है, समझना है मॉल कंसेप्ट है क्या। कुछ एक डाउट्स हैं मॉल कंसेप्ट को लेके, मॉल क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते चलेंगे, लेकिन इसको बेसिकली समझना है, इससे डरना नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं मॉल कंसेप्ट को देख के, मॉल कंसेप्ट आ गया, पता नहीं क्या आ गया। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉल कंसेप्ट। मॉल कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं तो बेसिक पढ़ाऊंगा, और बेसिक में मैं क्या पढ़ाऊंगा, मास से, क्योंकि अगर मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही हम किस पे चल पाएंगे बेटा, मोल कंसेप्ट पे चल पाएंगे। किस पे चल पाएंगे, मोल कंसेप्ट पे चल पाएंगे, जा पाएंगे और समझ पाएंगे। बट मास को समझना है बहुत इजी, क्यों, हमें पता है मास, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, यू एम यू। नाइन्थ में मास्टर ने कह दिया था तीनों लिख सकते हो, लिख दिए, पता ही नहीं किसका क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ठीक है। ग्राम यू के एम यू पता ही नहीं, ऑक्सीजन का याद है हमें 16 ग्राम, सेम सल्फर का, हाँ ये भी आता है 32 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, कैल्शियम का 40 ग्राम, हमें तो सब आते हैं, ठीक है। तो मास को पढ़ाने की क्या जरूरत है, सीधा मोल कंसेप्ट पढ़ा दो। एक बात सुन लो, क्या एक एटम को कभी देख सकते हो, एक एटम को कभी देख सकते हो, अगर एक एटम को कभी देख नहीं सकते तो एक एटम का मास 1 ग्राम, 1 ग्राम तो बहुत ज्यादा होता है केमिस्ट्री में। 1 ग्राम का क्या मतलब है, 1 ग्राम एक चुटकी सिंदूर नहीं है बेटा, ये 1 ग्राम है। क्या होता है 1 ग्राम, इतना ज्यादा मास और उस एटम को तुम देख नहीं सकते, यहां पे पैदा होती है गड़बड़ी। एक्चुअली ये मास क्या है, ये अभी के लिए नहीं है। सबसे पहले ये समझो कि मास आता क्या है, एटॉमिक मास होता क्या है। तो हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास, ठीक है, जो स्टडी किया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में। अब दोनों टर्म्स को क्लियर करूंगा, क्या किसकी फॉर्म में, रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में। एटॉमिक मास को पकड़ो, एटम का मास, एटॉमिक मास, अरे भाई एक एटम को देखे, एक एटम कभी दिखता है क्या, ठीक है, जो एटम दिखता ही नहीं उसका मास कहां से मेजर कर लें। तो बुक वाले कह देते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी मेजर्ड, तो हम मेजर कहां से कर लें, तो रिलेटिव क्या हुआ, तो रिलेटिव क्या हुआ। अब देखो मैं कितना पतला हूं, 20-25 किलो का, किसी ने मेरे को उठा के देखा तो मैं 25 kg का निकला, पता नहीं कितने का निकला पर मैं निकला, जितने का भी वो उसको नहीं पता, कहते इस भार को मैंने 1 मान लिया, किसी ने मेरे को उठाया मैं हल्का निकला और उसने मेरे को 1 मान लिया, उसने मेरे को क्या मान लिया, 1 मान लिया। फिर एक और प्राणी को उठाया, उसको अंदाजा लगा कि ये से दुगना है, ये से क्या है, दुगना है, तो इसको क्या मान लिया, 2 मान लिया, इसको क्या मान लिया, 2 मान लिया। आ रही है बात समझ में, अब मैं 1 किलो का थोड़ी हूं, कोई 20-25 किलो का तो होऊंगा ना, ठीक है, तो 1 मान लिया और 2 मान लिया, क्यों, क्योंकि वो मुझसे दुगना लगा, डबल लगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव। जब किसी की कंपेयर में किसी चीज को स्टडी किया जाए उसे क्या बोलते हैं बेटा जी, रिलेटिव। तो एटॉमिक मास रिलेटिव स्टडी किए जाते हैं, ठीक है, एक के कंपेयर में दूसरे को मान लिया। सबसे पहले स्टैंडर्ड माना गया हाइड्रोजन को, किसको स्टैंडर्ड माना गया, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को 1 मान लिया,
हाइड्रोजन को क्या मान लिया, वन मान लिया। सबसे पहले स्टैंडर्ड माना गया हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को क्या मान लिया बेटा, वन मान लिया। जैसे ही हाइड्रोजन को वन माना तो ये फाइंड आउट किया गया कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से 12 टाइम्स मोटा है, भारी है, हैवी है, तो कार्बन को फिर क्या मान लेंगे, 12 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 12 मान लेंगे। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपेयर में 16 टाइम्स हैवी है, तो ऑक्सीजन को क्या मान लेंगे, 16 मान लेंगे। ऑक्सीजन को क्या मान लेंगे, 16 मान लेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 12, ये हो गया 16। इस तरह कैलकुलेशन स्टार्ट की तो कहीं ना कहीं ऊक चूक आने लगी, बहुत ज़्यादा अटोमिक मास फ्रैक्शनल आने लगे। तो फिर 1861 में, ठीक है, एक संस्था बनाई गई, ठीक है, जिसने कहा कि हमने क्या करना है, कार्बन को स्टैंडर्ड लेना है। क्या करना है, कार्बन को स्टैंडर्ड लेना है। अब स्टैंडर्ड लेने का क्या मतलब है, जैसे मेरे को स्टैंडर्ड लिया था ना, ठीक है, मेरे से अगर कोई दुगना होगा तो उसको 2 मान लो, जो मेरे से आधा होगा उसको क्या मान लो, हाफ मान लो, उसको क्या मान लो, यानी कि मेरे को भी स्टैंडर्ड लिया गया। उसी तरह कार्बन को क्या ले लिया, स्टैंडर्ड। कार्बन को क्या ले लिया, स्टैंडर्ड, कि कार्बन के कंपेयर में मास को कैलकुलेट करेंगे। कार्बन के कंपेयर में मास को क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन को क्या मान लिया गया, कार्बन को मान लिया गया बेटा स्टैंडर्ड, ठीक है, कार्बन को क्या मान लिया गया, स्टैंडर्ड। और वहीं से आपकी बुक वाली डेफिनेशन सामने आ गई। और वो डेफिनेशन सामने क्या आई, जरा देखिए और सुनिए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन सामने क्या आई, मास ऑफ एन एटम इन कंपैरिजन टू कार्बन 12। एटम का मास किसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 के कंपैरिजन में। कार्बन 12 का मतलब कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12, इसके कंपैरिजन में हम मास लेंगे। इसके कंपैरिजन में क्या लेंगे बेटा, हम मास लेंगे। अब एक टर्म आती है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव मास या कंपेरेबल मास हम कैसे निकालें, रिलेटिव मास या कंपेरेबल मास हम कैसे निकालें। जैसे कि रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन, रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे कैसे निकालना है, ऊपर लिखना है मास ऑफ हाइड्रोजन, ऊपर क्या लिखना है बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन, नीचे क्या लिखना है, 1 by 12 ऑफ मास ऑफ C12, 1 by 12, कार्बन 12 के मास का 1 by 12 हमें लेना है, ठीक है, कार्बन 12 के मास का क्या लेना है बेटा, 1 by 12 हमें बेटा। तो यहां से अपन रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एटॉमिक मास को रिलेटिव मास की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ एटम अपॉन 1 by 12 ऑफ मास ऑफ C12, 1 by 12 ऑफ मास ऑफ C12। अब कार्बन को हमने एग्जैक्टली 12 टाइम हैवियर मान लिया एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। कार्बन को, जैसे मैंने कहा था, वो मोटा है मेरे से, डबल है,
ठीक है, कार्बन को हमने क्या फिक्स कर दिया कि हाइड्रोजन से 12 गुना क्या है, हैवी है, हाइड्रोजन से 12 गुना क्या है बेटा, हैवी है, तो इसको क्या मान लो, ये 12 यूनिट्स हैं, ये कितने यूनिट्स हैं बेटा, 12 यूनिट्स हैं, कितने यूनिट है, 12 यूनिट है, तो एक यूनिट कैसे निकलेगी, एक यूनिट कैसे निकलेगी, 12 से डिवाइड कर दें, 12 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, कार्बन को 12 मान लो, ठीक है, तो वो यूनिट्स हो गई, तो उसकी एक यूनिट निकालनी है, सिंगल यूनिट निकालनी है, तो उसको क्या कहोगे, सिंगल एटॉमिक मास यूनिट, क्या कहोगे, सिंगल एटॉमिक मास यूनिट, तो मैं लिख रहा हूं कौन सी यूनिट, सिंगल एटॉमिक मास यूनिट, जिसको 1 AMU बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, 1 AMU, तो 1 AMU कैसे आएगा, ठीक है, यही आएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, मास ऑफ C12, अब जो हाइड्रोजन का मास है, स्टार्टिंग यहां से करते हैं कि रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालें, रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालें, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या निकलेगा, क्या निकलेगा रिलेटिव मास, एक्चुअली में हाइड्रोजन का मास क्या है, 1.6736 10^-24 ग्राम, ये हाइड्रोजन के एटम का, एक एटम का मास है, कहेंगे कैसे कैलकुलेट किया, आपको भी सिखाएंगे मोल कंसेप्ट से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किससे कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्टली हाइड्रोजन एटम का मास ये है, 1 क्यों लेते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना अपने, 1 कंपैरेटिव रिलेटिव फॉर्म में ले लेते हैं, एग्जैक्ट मास तो एक एटम का ये है, तब कहते हो 1 ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है, 1 क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन का 8 क्यों लेते हैं, ठीक है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, अब 1 क्यों लेते हैं वो आपके सामने आएगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, ये कैलकुलेट किया गया यूजिंग मोल कंसेप्ट, तो हमारे पास क्या आया, 1.656 10^-24 ग्राम, 10^-24 ग्राम, आई थिंक 1.6056 10^-24 ग्राम कैलकुलेट किया, इतना आया, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.008 AMU, आते कि नहीं, 1 के नियरली इक्वल, 1 के नियरली इक्वल, तो इस कॉन्सेप्ट से सभी एटम्स के रिलेटिव मास को कैलकुलेट किया गया है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 ग्राम नहीं होता बेटा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 ग्राम नहीं होता, क्योंकि एटम इतना छोटा होता है, 1 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हाई है बेटा, ठीक है, 1 ग्राम तो आप कांटे पर रख के मेजर कर लोगे, अब कहोगे कौन सा कांटा आता है, 1 ग्राम को तो मेजर इजीली कर लोगे, पर एक्चुअली में मास ये है, ये क्या है, रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास क्या होता है, जो कंपेरिजन में निकाला जाता है, जो कंपेरिजन में क्या है, निकाला जाता है, तो कितना आ गया, 1.88008 एटॉमिक मास यूनिट, क्या आ गया, एटॉमिक मास यूनिट, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो ये मास आया 1.008 AMU, अब मैं इसका क्या करूं, अब मैं इसका खिचड़ी बना रहा हूं, कैसे, देखो, ठीक है, ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स के मास कैलकुलेट कर लिए गए और रिलेटिव रख दिए गए, ठीक है, तो हाइड्रोजन का नियरली कितना आ गया, 1 AMU, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना आ गया, ये सब आपको आते हैं, 8 AMU, नाइट्रोजन का कितना आ गया, 40 AMU, सल्फर का कितना आ गया, 32 AMU, कार्बन का कितना आ गया, 12 AMU, लिथियम का कितना आ गया, 7 AMU, सोडियम का कितना आ गया, 23 AMU, एंड जो आपका वो ले लो कैल्शियम ले लो 40 AMU, इस तरह इनके रिलेटिव मासेस को क्या कर लिया गया, कैलकुलेट कर लिया गया, इनके रिलेटिव मास को क्या कर लिया गया बेटा, कैलकुलेट कर लिया गया, तो ये हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ये कौन से मासेस हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ग्राम कब लगाएंगे वो देखते हैं जब हम इनको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे अपन को पढ़ना है
एवरेज एटॉमिक मास, कौन सा मास? एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? कभी आइसोटोप सुने हैं? आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। एटॉमिक मास क्या बेटा? डिफरेंट। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन के दो आइसोटोप है, कौन सा? क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ठीक है। AMU, जब क्लोरीन का मास लिखते हो, हाँ यार ये तो 35-37 हैं। जब इसका मास लिखते हो तो कितना लिख देते हो? 35.5। कितना लिख देते हो? 30। जब इसका मास लिखते हो तो कितना लिख देते हो? 35.5। ऐसा क्यों? जो नेचर में अपने पास क्लोरीन है दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 75। क्लोरीन 75, जो क्लोरीन 35 हम में नेचर में अवेलेबल है वो अवेलेबल है 75% अमाउंट में, यानी कि ज़्यादा कौन सा है? क्लोरीन 35। और 37 कितने में अवेलेबल है? 25% में। कितने में अवेलेबल है? 25% में, ठीक है। तो ऐसे में मास कैसे निकालें? दोनों का एवरेज लेके। अब इसका मतलब है 35 + 37 को ऐड कर दे, दो से डिवाइड कर दे, वो तब पॉसिबल होता जब ये इक्वल अमाउंट में होते। तब क्या होते? इक्वल अमाउंट में। अब क्या करोगे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 75 इंटू 35 प्लस, इसकी कितनी अमाउंट है? 25 इंटू 37 अपॉन टोटल कितने में से लिया है? 100 में से लिया है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 35.5। दैट्स वाई इस तरह से एवरेज निकाली, दैट्स वाई क्लोरीन का मास क्या ले लिया? 35.5 ले लिया। क्लोरीन का मास क्या ले लिया? 35.5 ले लिया। क्या ले लिया बेटा? 35.5 ले लिया। चलो लेट्स मूव फर्दर। वो कैसे? अजी ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है? ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है? अगर इसी एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम में कैसे कर सकते हैं? मोल कंसेप्ट में सीखेंगे, बट इसी को आपने क्या लिख देना है? 1U को 1 ग्राम लिख देना है। अगर इसी को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, ठीक है, वैसे वो मोल के लिए वैलिड है, एक एटम के लिए नहीं होता, एक एटम के लिए नहीं होता, बट स्टिल अगर इफ एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सेम कैसे? कार्बन 12 के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल कितना हैवी है? कार्बन 12 के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल कितना हैवी है उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। उसको क्या बोलेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास। कैसे कैलकुलेट कैसे करोगे? O2 16 + 16 = 32, ठीक है। CH4 12 + 4 = 16 यूनिफाइड स्केल यू या AMU, ठीक है। AMU एटम्स के लिए होता है, तो इनके लिए हम सिंपल क्या लगा देते हैं बेटा? यू लगा देते हैं, ठीक है। फर्दर ग्राम मॉलिक्यूलर मास
कौन सा मॉलिक्यूलर मास? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर उसी मॉलिक्यूलर मास को, उसी मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? हाइड्रोजन कितने? 2, 2, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना? 1 प्लस। सल्फर का कितना? 32। ऑक्सीजन का कितना? 16। ऑक्सीजन कितने? 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 98 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यू ग्राम के इक्वल हो क्यों गया, कैसे हो गया, ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। दैट विल बी अबाउट द मोल कंसेप्ट। तो ये मासेज हैं, ये पता होने चाहिए। यू क्यों लिखा? एटॉमिक मास यूनिट क्यों लिखा? एटॉमिक मास यूनिट क्यों लिखा? रिलेटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? रिलेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत है। मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफिकल्ट है। एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। दिस विल ऑल अबाउट द मूल कंसेप्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।